नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश जो आपका उच्चतर सेवा आयोग है, इसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जारी कर दिया गया है। इसमें आपके 917 पदों पर जो है विभिन्न विषयों के अंतर्गत 34 विषयों के अंतर्गत 917 पदों पर आपकी जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। और यह जो विज्ञप्ति रही, ये आपका 91 जो है 51 था आपका एडवर्टाइजमेंट रहा है। और इस विज्ञापन की अगर बात की जाए तो आज ही आपका जारी हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हैं, 8 जुलाई की बात है। और इसके अंतर्गत आपके विभिन्न संस्थानों में 917 जो आपके पद हैं, इन 917 पदों को जो है अधियाचन पहले ही जा चुका था, ठीक है। उसके बाद आज आपका फाइनल डिसीजन लिया गया और विज्ञापन संख्या 51 के रूप में इसको विज्ञापित किया गया है। जो आवेदन आपका है, आवेदन की रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई से आपका प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। और यह आपका जो 7 तारीख आपका रहेगा, ठीक है, 7 तारीख आपका रहेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 7 अगस्त को। 8 अगस्त को अंतिम तिथि है आपके जो है ऑनलाइन पेमेंट को, और फाइनल सबमिशन की अंतिम तिथि है आपकी 10 अगस्त। अब बात यह उठती है कि ये जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, इसके लिए आपकी शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए और साथ ही साथ अनिहार्यताएं, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है, उन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। तो अगर इसके लिए बात की जाए कि आपकी जो शैक्षिक अर्हता है, सबसे पहले पदों के संबंध में मैं चर्चा करूं, तो विषय यहां पर 34 है। मैंने पूरे विषय नहीं लिखे, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा उनको लिखा है। 917 पद हैं, 917 पदों में दो तरीके के पद आपके विभाजित किए जाते हैं। एक को एजुकेशन वाले जो कॉलेज हैं उनके लिए आपको 756 पोस्ट हैं, और जो वुमेन कॉलेज हैं उनके लिए 161 पद हैं, ठीक है। दो तरीके के पदों में इनका विभाजन किया गया है, और इसमें जो सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट आपकी 34 हैं। और इस बार का विज्ञापन जो है, इसमें एक बदलाव देखने को ये मिला है, महिलाओं के लिए विशेष इसमें इस बार छूट दी गई है। जो 917 आपके कुल पद हैं, इसमें से 20% आपके रिजर्व किए गए हैं वुमेन के लिए। तो लड़कियों के लिए ये विशेष तौर पर आपकी एक बड़ी अच्छी न्यूज है कि इस एडवर्टाइजमेंट में 20% सीटें इसकी कुल की आपके पास रिजर्व कर दी गई है। इतने पर लड़कियों का ही सिलेक्शन होना है। और इसमें 34 विषय हैं, 34 विषय के अंतर्गत बहुत सारे हैं, जिनमें से मूल से बात किया जाए, जैसे 80 प्रश्न आपके 80 जो पोस्ट हैं हिंदी के लिए हैं, इंग्लिश के लिए 62 पद हैं, इकोनॉमी के लिए 60 पद हैं, केमिस्ट्री के लिए 70 पद हैं, मैथ्स के लिए 24 पद हैं, ठीक है, बीएड के लिए भी 75 पद हैं। ऐसे बहुत सारे हैं आपके जो है एनसीएंट, हिस्ट्री, हिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, तमाम तरीके के पद आते हैं, 34 विषय आते हैं। अब आप समझ लीजिए, मैंने सारे विषयों को नहीं लिखा है, 917 पदों में टोटल इनका जो है योग है। तो इन 917 पदों के लिए बात की जाए, जिसमें आपके 20% पद पहले ही रिजर्व कर दिए गए हैं वुमेन्स के लिए, तो लड़कियों के लिए जिनके पास इसकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप अर्हता रखते हैं तो जरूर अप्लाई करिए। अब पर बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी परीक्षा की जो आपकी पद्धति है वो कैसी होती है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, आपके पास यूजीसी का या सीएसआईआर का किसी का भी आपके पास नेट हो या जेआरएफ हो, ठीक है, आपके पास नेट होना चाहिए या जेआरएफ होना चाहिए, वो चाहे यूजीसी के द्वारा आपका संपन्न कराया गया हो या सीएसआईआर के द्वारा कराया गया है, एक डिग्री आपके पास मांगता। पीएचडी भी इसमें मांगा है, लेकिन पीएचडी वालों को आप इससे पहले भी देख रहे थे, उधर ही न्यूज आ गई थी कि पीएचडी वालों को छूट मिलेगी इस बार के आपके विज्ञापन में, तो वो छूट मिली। इस बार पीएचडी धारित में उन लोगों को मांगा। अच्छा, एक मेंशन इसमें और किया है, अगर किसी ने एसलेट का पेपर जो है क्वालिफाई कर रखा है यूपी का, ठीक है, स्टेट लेवल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एसलेट, अगर आपने यूपी एसलेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, नेट जेआरएफ नहीं है, आपने ये क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। और पीएचडी जिनके पास है, पीएचडी में क्या किया है, इस बार ऐसे लोगों को अनुमति दी है जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पहले एडमिशन लिया था पीएचडी में, उन्हीं लोगों को इस बार इसमें अलाउ किया गया है। मतलब आपसे डायरेक्ट पीएचडी नहीं मांग रहा है, आपके पास नेट की डिग्री है, आप चाहे यूजीसी से हैं चाहे सीएसआईआर से हैं, तो आपको जो है इसमें एलिजिबल कर दिया गया, जैसा पिछले बार भी एक संशोधन किया गया था, और उस संशोधन से जो है के द्वारा नेट की अनिवार्यता को जो है पीएचडी की अनिवार्यता को असिस्टेंट प्रोफेसर में समाप्त किया गया था। अब बात आती है कि ये तो आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, इसके बाद परीक्षा की आपकी जो है पैटर्न कैसा होता है, आइए एग्जाम पैटर्न की चर्चा करें। तो इसमें जो आपके कुल पद होते हैं, मतलब कुल प्रश्न होते हैं, कुल प्रश्न आपसे 100 पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है, तो 200 अंक का आपका ये पेपर होता है।
इसमें बात की जाए पेपर कैसा होगा, तो पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और पेपर आपका इलाहाबाद में होता है। जो पेपर आपका संपन्न होगा वो इलाहाबाद में होता है। 200 अंक का पेपर होगा, पहला पेपर आपका जो है एक पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। और इसमें भी 30 प्रश्न आपके जीएस के आते हैं, जिसमें करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, ठीक है, अर्थव्यवस्था और आपके जो अन्य विषय हैं पॉलिटी, इन सभी से संबंधित आपके 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं। जीएस के प्रश्न आपके काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि विषय पर मान लीजिए आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो विषय पर पकड़ भी हो जाती है। अब जो नेट क्वालिफाई करेगा जाहिर सी बात है उसके उसके पास जो है विषय से संबंधित ज्ञान बहुत होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज फिर उनके लिए ये चैलेंजिंग बन जाता है। दूसरी चीज आती है 70 प्रश्न आपसे पूछेगा जो कि आपके विषय का होगा, यानी कुल प्रश्न इसमें 100 पूछे जाते हैं। 200 अंक पर आपके पहले पेपर के लिए मेरिट बनती है। उसके बाद इसमें 30 जो है अंक का आपका इंटरव्यू रहता है, यानी जो फाइनल मेरिट आपकी बनती है वो 230 अंकों की बनती है। अब इस पर जैसे आई है तो आप संस्थान पर कई जो है फोन आया कि सर जीएस वाला बैच जो है, इससे पहले जीआईसी वाला भी चला था, अन्य भी बैच चले थे, तो जीएस के लिए बैच के लिए डिमांड हो रही कि जीएस का बैच जो है संस्था के द्वारा संचालित किया जाए। तो जिन्हें भी ये एलिजिबिलिटी आप रखते हैं और फॉर्म आप भर रहे हैं और आपको जीएस के संबंध में हमसे जुड़ना है, तो आप नीचे जो है बॉक्स में जो है इसके कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट करिए। और अन्य जानकारी के लिए आप संस्थान के नंबर नीचे अभी आपका चल रहा है और संस्थान का नंबर मैं लिख रहा हूँ 9450066007 या 9129697080, इनमें से किसी नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से कभी भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में आगे आपकी विभिन्न जो इसके विषय हैं उनमें क्या क्या पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है उसके विषय में अलग अलग वीडियो सभी मैं आपको आगे उपलब्ध करा दूंगा। तो पहली बार चैनल पर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अन्य किसी सहायता के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।